गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स। हमारा जो नया चैप्टर का नाम है कि प्लांट्स के बारे में जानते हैं, आइए है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हमने पार्क में या फॉरेस्ट कभी आप लोग गए हो या बागों में गए हो, कहीं घर के आसपास डिफरेंट टाइप के प्लांट आपने देखे हैं। कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ की लीव्स बड़ी होती हैं, कुछ की लीव्स छोटी छोटी होती हैं, कुछ के फ्लावर्स रेड हैं, कुछ के फ्लावर्स कैसे होते हैं, येलो होंगे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आपने प्लांट पढ़े, तो आइए हम इन प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ स्टेम, मोस्ट प्लांट्स आर क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज। स्टेम के साइज और हार्डनेस के बेसिस पर हमने प्लांट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ईच कैटेगरीज हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और हर कैटेगरी का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पर हम एक टेबल के थ्रू इनको पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि देखिए, ये हमारे पैरामीटर है, ये हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। तो अब पहला पैरामीटर हम हाइट ले लेते हैं। हर्ब का जो हाइट होता है बहुत छोटा होता है, श्रब्स का उससे ज़्यादा यानी मीडियम साइज, फिर ट्रीज़ का बहुत बड़े बड़े होते हैं, टॉल मतलब काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। देन दूसरा पैरामीटर कलर ऑफ द स्टेम, हर्ब्स का जो होता है स्टेम कैसा होगा, ग्रीन कलर का, जैसे पुदीना, धनिया हमने देखा, पालक देखा, इसका कैसा होता है, ग्रीन कलर का स्टेम होता है। जबकि श्रब जैसे रोज प्लांट को देखिए, है ना, या कड़ी पत्ता लीव्स का प्लांट जो है, तो वो ब्राउन, वो क्योंकि श्रब्स है। और चाहे नीम, मैंगो, बनियन, इनके देखिए तो इनके भी ब्राउन होंगे। अब थिकनेस ऑफ द स्टेम, कितना मोटा है स्टेम ये देखते हैं। तो हर्ब का जो स्टेम होता है थिन मतलब बहुत पतला होता है, श्रब का इससे तो ज़्यादा मोटा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, मीडियम साइज़ का होता है। और ट्रीज़ का जो स्टेम होता है, ट्रंक, बहुत मोटा होता है। हार्डनेस ऑफ द स्टेम, हर्ब्स ग्रीन स्टेम है, सॉफ्ट होता है, श्रब्स का हार्ड होता है, और ट्रीज़ का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। ब्रांचिंग पैटर्न, हर्ब्स मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, मतलब इसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं हो सकती क्योंकि स्टेम इनका बहुत सॉफ्ट होता है और वो बियर नहीं कर सकता है। और द स्टेम हैज़ ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द प्लांट, प्लांट के बेस में ही शर्ब में क्या होता है, ब्रांचेस हो सकती हैं। द स्टेम हैज़ ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड से काफ़ी ऊपर अपर पार्ट में ब्रांचेस होती है क्योंकि इसका स्टेम बहुत हार्ड और थिक होता है। लाइफ स्पैन, कितना चलता है ये प्लांट, शॉर्ट लाइफ स्पैन मतलब ये एक या दो सीजन ही ये वाले हर्ब्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। शब मेनी ईयर, बहुत काफ़ी साल चल जाते हैं, लेकिन ट्रीज से इनका लाइफ स्पैन कम होता है। और ट्रीज क्या होते हैं, लिव्स फॉर सेवरल ईयर, बहुत सारे साल तक जिंदा रहते हैं। अब हर्ब का एग्जांपल क्या है, टोमेटो, मस्टर्ड, सनफ्लावर, स्पिनेच, है ना, कोरिएंडर, ये सब क्या हो गए शर्ब्स के, और इसका सॉरी हर्ब के ये वाले हैं। शर्ब्स के लेमन, चाइना रोज एंड रोज प्लांट, ये किसके एग्जांपल हैं, शर्ब्स के। मैंगो और पीपल एंड गुलमोहर या बनियन, नीम, जितने भी ट्रीज हैं ये ट्रीज के एग्जांपल हैं। इसके अलावा दो कैटेगरीज और होती है, कुछ प्लांट्स हम ऐसे भी देखते हैं जिनके की स्टेम बहुत नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और वो स्टैंड नहीं कर सकते, सीधे खड़े नहीं हो सकते, तो इनको या तो किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो कुछ प्लांट ज़मीन के साथ साथ, जैसे बोटल गार्ड और वाटरमेलन को देखेंगे तो ज़मीन के साथ साथ उनको फैलते जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रीपर, जो ग्राउंड के साथ साथ चलते मतलब फैल जाते हैं। और जो किसी सपोर्ट के साथ में ऊंचे मतलब रहते हैं, जैसे मनी प्लांट और पीस,
ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं क्लाइंबर। तो अभी हमने पांच तरह के प्लांट्स पढ़े, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर एंड क्लाइंबर।